दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्षद कामदार, आप सब कैसे हैं? मैं 42 साल से मिर्जापुर अहमदाबाद गुजरात में कंसल्टिंग डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं। दोस्तों, हर एक माँ बाप को अपने बच्चे की पहली आवाज सुनने की हमेशा उत्सुकता रहती है, लेकिन दोस्तों समझ लो, बोलना आप जितना सोचते हैं इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें शरीर के दिमाग से ऑर्डर छूट के बोलने के अंग, जबान, तलुआ और स्वर यंत्र की मदद से जो कंपन पैदा होती है उससे आवाज निकलती है, और ये आवाज पहले बच्चा सुनता है और बाद में वो बोलना धीरे धीरे सीखता है। 10 महीने के बाद बच्चा आपको बोलता देखता है और सुनता है। वो शब्द उसके दिमाग में संग्रहित होते हैं। अगर बच्चा सुनेगा ही नहीं तो उसे बोलना आएगा कैसे? इस तरह न बोलते बच्चे की सुनने की तपास भी ENT सर्जन करके उसका बहरापन हो तो निदान करके इसका इलाज हो सकता है। सामान्यतः 2 से 4 महीने का बच्चा रोकर और उहंकारा करके माँ बाप का ध्यान अपनी ओर खींचता है। रोना ही 7 महीने से छोटे बच्चे की आवाज़ और बोलना होता है। 7 से 10 महीने का बच्चा किलकारी करके और हाँ हाँ करके माँ बाप से बातें करता है। धीमे धीमे बढ़ती उम्र में बच्चा सबको पहचानने लगता है और 18वें महीने में बा, दादा, दादी जैसे एक शब्द बोलता है। 2 साल में उसे 2 शब्द बोलना आता है, जैसे पानी दो, बाबा जाना वगैरह। 2.5 साल तक वो पूरे वाक्य बोलने लगता है। इसमें भी लड़के से लड़की का विकास जल्दी दिखता है। बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से बोलने के सेंटर का विकास दिमाग में चालू हो जाता है। लेफ्टी बच्चे के स्पीच सेंटर दाहिनी साइड में और राइटी बच्चे के सेंटर लेफ्ट साइड में होते हैं। इसे ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच कहते हैं। बच्चा बोलने कैसे सीखता है वो देखे। बड़ा होता हुआ बच्चा सामने वाले की आवाज, चेहरे के हाव भाव और हलना देखता रहता है। इसको सुनने के बाद दिमाग में विश्लेषण होके भंडारण होता है। जब बच्चे को बोलने की आवश्यकता हो तो ये भंडार वाले शब्द का उपयोग दिमाग से होता है। यहाँ से ऑर्डर छूटते हैं और आवाज़ पैदा करने वाले अंग, जबान, तलुआ, होंठ और स्वर यंत्र के कंपन से आवाज़ आने लगती है। आस्ते आस्ते इसका विकास होकर बच्चा बोलने का चालू कर देता है। इस तरह बच्चे का सुनने का कान, उसका दिमाग और उसके बोलने के अंग, जबान, तलुआ और स्वर यंत्र अगर नॉर्मल हो तभी बच्चा नॉर्मल उम्र में बोलना सीख जाता है। बच्चा जो सुनता है वही बोलता है। यानी गोरा बच्चा अगर हिंदी बोलने वाले के घर में पल के बड़ा होता है तो वह इंग्लिश नहीं हिंदी ही बोलने लगेगा और हिंदी ही बोलना सीखेगा। ये बातें आप देख के समझ सकते हैं कि बच्चा अब बोलने वाला है। बच्चा पहला शब्द बोलने का प्रयास करता है
जब 10 महीने का होता है और ये पहला शब्द माँ या पा होता है। ये असल में शब्दों का संक्षिप्त रूप होते हैं। अब बच्चा धीमे धीमे बोलने वाला है। बच्चा धीमे धीमे आपके शब्दों को समझने लगता है। खाना, पानी, माँ, दादा, पापा, ये शब्दों को पहचान के याद करके फिर बोलने लगेगा। ये दिमाग का काम है। मंद बुद्धि बच्चा ये देर से सीखेगा। बच्चा बाय बाय जैसे शब्दों की प्रतिक्रिया देने लगता है। मुझे पानी पीना है तो पानी बताएगा। ऐसे इशारे ये बताते हैं कि अब आपका बच्चा बोलना शुरू करेगा। बच्चा तुलना कर बात करने का प्रयास करने लगे, जैसे वह माँ या पापा की आवाज़ की नकल करते हुए तुतलाते वाक्य बोलने लगे, तो यह संकेत है कि आपका बच्चा अब बोलने लगेगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बच्चा सामने वाले को बोलता देखकर और सुनकर धीमे धीमे एक एक शब्द बोलना 10 महीने के बाद सीखने लगता है। लेकिन इसके लिए बच्चे की सुनने की शक्ति, दिमाग और बोलने के सभी अंग, जबान, तलुआ और स्वर यंत्र नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल उम्र में बच्चा बोलता न हो तो आप तजज्ञ डॉक्टर को बताकर उसकी सारवार करा सकते हैं। डॉक्टर की सारवार के बाद बच्चा और स्पीच थेरेपी के बाद बच्चा अपने आप धीमे धीमे लेट मगर बोलता हो जाएगा। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख सके और उसकी जानकारी प्राप्त कर सके।